पेपर लीक स्टोन क्रशर संचालक गिरफ्तार। रामनगर के आरोपी पर 20 से ज़्यादा लोगों को हल किया पेपर मुहैया कराने का आरोप। तो जो भर्ती धांधली चल रही है उससे उसमें जो है रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। तो आज जो है एक नई खबर उससे संबंधित और आई है, वो कुछ इस प्रकार से है कि जो एक स्टोन क्रशर है, स्टोन क्रशर का संचालक है, वो भी जो है इस मामले में गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि उसने भी जो है 20 से ज़्यादा लोगों को पेपर जो है वो हल करके मुहैया करवाया है। पेपर लीक मामले में शनिवार को एसटी अपने 21वीं गिरफ्तारी की है। तो अब तक कुल 20 लोग गिरफ्तार हो चुके थे और ये जो है 21वीं गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कुमाऊं कनेक्शन में रामनगर के स्टोन क्रशर मालिक चंदन सिंह मनराल को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वह पहले पकड़े गए हाकम सिंह समेत कई आरोपियों के संपर्क में था। उसने धामपुर वाले सेंटर पर अभ्यर्थियों को अपनी टेम्पो ट्रैवल से भिजवाया और उन्हें नकल कराई। इसके बाद परीक्षा केंद्रों से भी अभ्यर्थी उसी की गाड़ी से गए। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस मामले में 3 दिन पहले कुमाऊं कनेक्शन के बारे में पता चला था। हाकम का पुराना जानकार है मनराल। तो शुक्रवार देर रात चंदन सिंह मनराल निवासी लखनपुर रामनगर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि चंदन से एसटीएफ कार्यालय में कई घंटे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने छात्रों को नकल कराने की बात स्वीकार की। पता चला कि वह हाकम सिंह का काफ़ी पुराना जानने वाला है। उसे धामपुर के सेंटर के बारे में पता था। मनराल की अपनी ट्रैवल एजेंसी भी है। वह अपने टेम्पो ट्रैवल गाड़ी से 20 छात्रों को धामपुर वाले नकल सेंटर पर लेकर गया। वहाँ उन्हें उत्तर याद करवाए। उसके बाद अगले दिन उन्हें परीक्षा केंद्रों तक भी लेकर गया। हाकम सिंह और अन्य आरोपियों ने भी मनराल के बारे में बहुत कुछ एसटीएफ को बताया था। मनराल ने परीक्षा में नकल कर करोड़ों रुपए अभ्यर्थी से लिए हैं। तो इस प्रकार से जो मनराल है ये क्रेशर चालक संचालक, तो ये भी जो है गिरफ्तार हो चुका है। आयोग से मांगा परीक्षाओं का विवरण। एसटीएफ ने ईमेल के माध्यम से मांगी जानकारियां, सोमवार तक मिलेंगी। एसटीएफ ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन से न्यायिक कनिष्ठ सहायक और सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा का विवरण मांगा है। तो इन दोनों भर्ती परीक्षाओं पर भी जो जांच है वो शुरू हो चुकी है और इनका जो विवरण है वो एसटीएफ की टीम द्वारा आयोग से मांगा गया है और सोमवार तक ये जानकारियाँ मुहैया कराई भी जाएगी। तो अभी जो है क्या इस मामले में आगे होने वाला है वो जो है हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। शुक्रवार को डीजीपी ने आयोग की 2 और भर्ती परीक्षाओं की जांच के आदेश एसटीएफ को दिए थे। इन भर्ती परीक्षाओं पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी जो है हो चुकी है। आगे क्या जो है इस पर सरकार निर्णय लेगी वो जानने वाली बात रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।